मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन शो। भारत ने एक ऐसी मिसाइल लॉन्च की है कि पूरा चीन तबाह हो जाएगा, क्योंकि चीन तनाव इस समय चरम पर है। भारत ने एक के बाद एक कई बड़े धमाके किए एलओसी पर, चाहे एलएसी पर, चाहे डोगलाम हो या गलवान हो या पेंगोंग हो, हर जगह पर भारत ने बढ़त बना रखी है। आज हम बताने जा रहे हैं भारत की उस ताकत को जिसके आगे चीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराते हैं। आज हाथरस जो रेप हुआ था, रेप जो मामला हुआ था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हाथरस जा रही थी, जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोएडा में उनको अरेस्ट कर लिया है और उनको गेस्ट हाउस ले गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस का आरोप है या उत्तर प्रदेश सरकार का आरोप है कि ये लोग अगर हाथरस पहुंचेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर टूट जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए उनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी बन गया था। वहीं आपको कुछ और खबरों से अपडेट कराएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आपको भारत की उस ताकत की ओर जो ताकत आज भारत को मिली है। भारत अगले महीने होने वाले सातवें परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से निर्भय उपक्रूज मिसाइल को भारतीय सेना और नौसेना में शामिल करेगा, लेकिन पहले से सीमित संख्या में मिसाइलों की वास्तविक नियंत्रण रेखा LC पर स्थानांतरित कर चुका है, जहां भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के साथ तनावपूर्ण गतिरोध में हैं। 1000 किलोमीटर रेंज के ठोस रॉकेट बूस्टर मिसाइल में 90% से अधिक एकल शॉट मारने का अनुपात है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसके विकास से परिचित लोगों ने एक निजी पत्रकार को बताया कि भारत ने एक लंबी दूरी की ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो 400 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिकरण परिषद ने निर्भय सबसोनिक मिसाइल की औपचारिक शुरुआत को मंजूरी दे दी है। हालांकि सेना ने नई मिसाइल को तैनात करने की औपचारिकता की प्रतीक्षा नहीं की, चीन के खिलाफ LC का बचाव करने के लिए उनमें से कुछ को पहले ही स्थानांतरित कर दिया है। 0.7 मैक की गति से यात्रा करने वाली इस मिसाइल में भू अलिंगन और सी स्कीमिंग दोनों क्षमता है। LAC में PLA के पश्चिमी थिएटर कमांड ने इस साल मई में लद्दाख स्टैंड ऑफ शुरू होने के बाद तिब्बत और सिंजियांग में 2000 किलोमीटर रेंज और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को तैनात किया है। चीनी तैनाती अक्साई चीन पर कब्जा करने के लिए सीमित नहीं है, लेकिन 3448 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कासगर, होटान, लोहास, निगाची से गहराई तक स्थित है। अधिकारियों ने कहा है कि बुधवार को 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों का स्वदेशी एयर फ्रेम और बूस्टर के साथ परीक्षण महत्वपूर्ण है। ये नए जमाने के हथियार ठोस ईंधन वाली डक्टेड रैमजेट तकनीक पर आधारित होंगे, जिनका इस्तेमाल हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए भी किया जा सकता है। DRDO द्वारा तकनीक का परीक्षण 2 बार किया गया है, 30 मई 2018 को और 8 फरवरी 2019 को। भारतीय मिसाइल के एक्सपर्ट ने कहा कि क्रूज मिसाइल के नए वर्ग में SFDR प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुपरसोनिक गति के साथ एक ठोस रॉकेट बूस्टर होगा। मिशन के उद्देश्यों के आधार पर मिसाइल की सीमा तय की जा सकती है। तो ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल दरअसल 1000 किलोमीटर के रेंज तक मार कर सकती है। और भारत को ऐसे ही खतरनाक मिसाइलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हम DRDO के माध्यम से हिंदुस्तान के इस हथियार ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम अब चीन को जवाब देने में सक्षम हो गए हैं। जब से चीन तनाव लगा है, तब से भारत, चाहे अंदर हो, औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, हर तरह से अपने यहाँ हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। खतरनाक हथियारों से लैस भारत अब पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। भारत की क्षमता, भारत की ताकत को आंकना अब चीन के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। चीन को समझ जाना चाहिए कि दरअसल
अब कुछ नहीं होने वाला है, अब 1962 का भारत नहीं है कि वो जो चीज़ चाहे वो कर सके, वो जब चाहे भारत पर कब्जा कर सके, जब चाहे भारत पर वो आक्रमण कर सके। अभी नया भारत है, नया भारत घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन वहीं पर ले चलते हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश की ओर आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय गैंगरेप की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाथरस के बाद अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी एक दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ है, पीड़िता ने भी दम तोड़ा है। जिस प्रकार से गैंगरेप हो रहे हैं उसमें साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी साजिश है जो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, या उत्तर प्रदेश में जानबूझकर ये काम किया जा रहा है। क्योंकि एक के बाद एक गैंगरेप, एक के बाद एक रेप, ये दिखाता है कि कोई ना कोई है, कोई ऐसी चीज़ है जो चाह कर भी, जो खुद जानबूझकर ऐसे अपराधों को अंजाम दे रही है। जिस प्रकार से खुलासे एक के बाद एक सामने बातें आ रही हैं, अभी हाल ही में राजस्थान में भी रेप हुआ, लेकिन मीडिया और खुद कांग्रेस सपा बसपा हर कोई चुप है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ रेप गलत है, जो लोग ऐसी विभत्स घटना को अंजाम देते हैं उनको सरेआम गोली मार देनी चाहिए, उनके साथ ऑन द स्पॉट फैसला करना चाहिए। जो आरोपी हैं उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि और लोगों के लिए ये घटना, ये फैसला नसीहत बन जाए। लेकिन वहीं पर एक बड़ी खबर हाथरस को लेकर आ रही है। हाथरस के एडीजी प्रशांत कुमार बोले हैं कि जो हाथरस में जो पीड़ित युवती थी उसके साथ रेप नहीं हुआ है, गले में चोट की वजह से हुई है मौत। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि हाथरस में रेप नहीं हुआ है, हाथरस में जो पीड़ित लड़की है जिसके साथ रेप की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस लड़की का मेडिकल रिपोर्ट आया है जिसमें रेप की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, गले में उसके चोट थी, उस चोट की वजह से, सदमे की वजह से उसकी मौत हुई है। ये बात उत्तर प्रदेश के पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मंगलवार को बताया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि वारदात के बाद युवती ने पुलिस को दिए गए बयान में अपने साथ बलात्कार होने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जिसने सिर्फ मारपीट किए जाने पर आरोप लगाया था। कुमार ने कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और जातीय हिंसा भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हाथरस मामले में तुरंत कार्रवाई की और अब हम उन लोगों की पहचान करेंगे जिन्होंने माहौल ख़राब करने और प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की है। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इसकी जाँच के लिए विशेष अनुसंधान दल गठित किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले सरकार के खिलाफ गलत बयानी की गई, पुलिस की छवि को खराब किया गया, हम पड़ताल करेंगे कि यह सब किसने किया, यह एक गंभीर मामला है, सरकार तथा पुलिस महिलाओं के प्रति होने वाली अपराधों को लेकर बेहद संजीदा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की घटना जिस पर आज एडीजी अपना बयान दे रहे थे। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना ना हो बल्कि पूरे देश में ऐसी घटना ना हो। बहन बेटियाँ हमारे भी हैं और सबके भी हैं और हर बहन बेटी की इज्जत करना हिंदुस्तान का पहला कर्तव्य है। वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।